बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अपनी फिल्मों और खूबसूरती को लेकर बेहद फेमस हैं। उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देती थी। ग्लैमर किरदार न निभाने के बावजूद भी प्रीति जिंटा के रोल की काफी सराहना की जाती है। प्रीति जिंटा ने अपनी पहली फिल्म क्या कहना में एक अनमैरिड टीनेज प्रेग्नेंट लड़की का किरदार निभाया था। इस फिल्म के गाने और स्टोरी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की और प्रीति जिंटा के करियर ने रफ्तार पकड़ ली, लेकिन उनकी पहली फिल्म के चुनाव को लेकर कई लोगों ने उन्हें टोका था। दरअसल प्रीति जिंटा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी पहली फिल्म क्या कहना को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। प्रीति जिंटा ने कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने एक बिन ब्याही टीनेज माँ का रोल निभाने का फैसला किया तो हर कोई हैरान रह गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्या तुम पागल हो गई हो, लेकिन प्रीति ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने दिल की सुनी। उन्होंने कहा कि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रमेश तोरानी और हनी आंटी का शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये फिल्म दी। मैं सैफ अली खान और चंद्रचूड़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उस फिल्म में मेरे साथ थे। प्रीति जिंटा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि इस फिल्म से मुझे सीख मिली है कि लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो, हमेशा अपने दिल की सुनो। आपको बता दें कि इस साल प्रीति जिंटा ने इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी पहली फिल्म क्या कहना में सैफ अली खान, चंद्रचूड़, फरीदा जलाल और अनुपम खेर जैसे एक्टर भी थे। इस फिल्म का डायरेक्शन कुंदन शाह ने किया था। प्रीति जिंटा की पहली फिल्म आज से 20 साल पहले 19 मई 2000 को रिलीज हुई थी। उस हिसाब से प्रीति जिंटा के करियर को भी 20 साल हो गए हैं।